हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे पाठ पांच, ईमानदार शंकर। एक गांव में एक बालक रहता था, उसका नाम शंकर था। उसमें एक बड़ा गुण था, वह बहुत ईमानदार था। सदा सच बोलता था, कभी भी झूठ नहीं बोलता था। गांव वाले उसे बहुत प्यार करते थे, वह सदा गांव वालों की मदद किया करता था। शंकर मेहनत से कभी भी जी न चुराता था, कड़ी मेहनत करना उसका स्वभाव था। वह श्रम करके ही धन कमाना चाहता था, श्रम करके ही यानी मेहनत करके ही वह हर तरह का काम कर सकता था। एक दिन वह धन कमाने के लिए गांव से नगर की ओर चल पड़ा। गर्मी का मौसम था, मार्ग में आमों का एक बड़ा सा बाग था। वह पैदल चलते चलते थक गया था। उसने आम के पेड़ के नीचे कुछ देर आराम किया, फिर वह नगर की ओर चल दिया। कुछ ही देर में वह नगर में प्रवेश कर चुका था। वहां उसे कोई नहीं जानता था। वह नगर में किधर जाए, कहां काम ढूंढे, कोई भी उसे नौकरी देने को तैयार न हुआ। शंकर भीख मांगना बुरा काम समझता था। वह सोच में पड़ गया, कहां जाए और अब क्या करे, परेशान था। उसने सोचा रात पानी पीकर ही बिता दूंगा। पास में ही उसे एक हलवाई की दुकान के आगे तख्ता लगा दिखाई दिया। वह मुस्कुरा उठा, वह उसी तख्ते पर लेट गया। गर्मी के दिन थे, वह थका हुआ तो था ही, लेटते ही नींद आ गई। सवेरा हुआ, दिन के उजाले में शंकर की नजर 5 रुपए के एक नोट पर जा पड़ी। वह वही तख्ते के पास पड़ा था। उसने कुछ समय बाद हलवाई वहां आ पहुंचा। उसने अपनी दुकान खोली। दुकान की ओर उसने एक बालक को आते देखा। वह बालक शंकर था। उसके हाथ में 5 रुपए का नोट था। शंकर ने 5 रुपए का नोट दुकान के मालिक के आगे कर दिया। हलवाई ने समझा कि यह बालक सौदा लेना चाहता है। उसने पूछा, क्या चाहिए? कुछ भी तो नहीं, यह 5 रुपए का नोट आपका है। कल शायद दुकान बंद करते समय यह तख्ते पर रह गया था। शंकर मुस्कुरा कर बोला। शंकर की ईमानदारी पर हलवाई बड़ा प्रसन्न हुआ। वह उसे एक मेहनती बालक लगा। ईमानदारी तो वह पहले से ही सिद्ध कर चुका था। दुकानदार ने उसे अपने दुकान पर काम पर रख लिया। शंकर को और भला क्या चाहिए था। वह बड़ा ही प्रसन्न दिख रहा था। उसे काम मिल गया था। हलवाई उसे अपने बेटे के समान समझने लगा था। वह उस पर पूरा भरोसा करता था। अब तो वह तरह तरह की मिठाइयां बनाना भी सीख गया था। वह अब वहां सुख और आनंद से रहने लगा। सच है, ईमानदारी सुख की खान है। तो बच्चों, हमें इस पाठ में क्या पता चल रहा है कि एक शंकर नाम का बालक है। यह बालक बहुत ही ईमानदार है, हमेशा सच बोलता है, कभी झूठ नहीं बोलता, बहुत मेहनती है और हमेशा गांव वालों की मदद करने के लिए तैयार रहता है। तो इस चलते गांव वाले इसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो शंकर एक बार सोचता है कि वह शहर जाकर पैसे कमाएगा, तो वह अपने गाँव से चल पड़ता है। चलते चलते बीच में वो थक जाता है, आमों का बगीचा आता है, वह थोड़ी देर आराम करता है और फिर चल पड़ता है। अब वह चलते चलते नगर पहुंच जाता है। नगर में वह प्रवेश करता है तो उसे कोई काम नहीं मिलता। ढूंढने पर भी वह निराश नहीं होता। वह सोचता है कि आज वो रात को पानी पीकर ही सो जाएगा। तो ऐसा ही करता है। वह एक दुकान के सामने एक तख्ता लगा हुआ था, वह उस तख्ते पर जाकर सो जाता है। सुबह जब उठता है तो उसे सुबह सूरज की रोशनी में एक 5 का नोट दिखाई देता है। तो वह उस नोट को उठा लेता है। वह 5 रुपए का नोट उठाए हलवाई के पास और जाता है। जब वो हलवाई दुकान खोलता है, हलवाई सोचता है कि वह कुछ खरीदने आया है, लेकिन वह बच्चा यानी कि शंकर मना कर देता है। वह उस हलवाई को बोलता है कि नहीं भाई, मैं कुछ खरीदने नहीं आया हूँ, ये नोट शायद आपका गिर गया है या आपका नोट है। हलवाई तो बहुत खुश होता है उसकी ईमानदारी देखकर, और जब वह ईमानदारी देखकर खुश होता है तो उसे लगता है कि ये लड़का तो मेहनती भी बहुत है। तो हलवाई उसे अपने दुकान पे नौकरी पे रख लेता है।
अब शंकर वहां रहने लगता है और नौकरी करने लगता है, और हलवाई उसे अपने बेटे की तरह ही समझता है, और शंकर बहुत सारी मिठाइयां बनाना भी सीख जाता है और उसका जीवन सुखी सुखी बीतने लगता है। तो इसी तरह इस पाठ में कहा गया है, हमें सिखाया गया है, ईमानदारी सुख की खान है। अगर शंकर ईमानदार ना होता तो उसे ये नौकरी नहीं मिलती और वह भटकता रहता नगर में, क्या पता उसे अपने गांव वापस चले जाना पड़ता। लेकिन अब वह सुखी था, उसने ईमानदारी दिखाई और उसकी ईमानदारी से खुश होकर उस दुकानदार ने उसे नौकरी दी। अब हम करेंगे इस पाठ के पाठ अभ्यास। नीचे गुरुमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ो और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करो। शंकर शंकर, मार्ग मार्ग, हलवाई हलवाई, चलते 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 चलते, सुभाव सभा, मेहनत मेहनत, गर्मी गर्मी, पंज पांच, प्यार प्यार, कम कम सॉरी काम, आनंद आनंद, प्यार प्यार। नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़े और हिंदी शब्दों को लिखें। मेहनत श्रम, दाखिल प्रवेश, खुश प्रसन्न, रोशनी उजाला। नंबर 3, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दो। क्वेश्चन नंबर 1, कहानी में ईमानदार बालक का क्या नाम है? आंसर, कहानी में ईमानदार बालक का नाम शंकर है। क्वेश्चन नंबर 2, शंकर का कैसा स्वभाव था? आंसर, शंकर स्वभाव से ईमानदार और मेहनती था। क्वेश्चन नंबर 3, शंकर धन कमाने के लिए गांव से कहां गया? उत्तर, शंकर धन कमाने के लिए गांव से नगर की ओर गया। क्वेश्चन नंबर फोर, शंकर को दुकान के आगे से क्या मिला? आंसर, शंकर को दुकान के आगे से 5 रुपए का नोट मिला। क्वेश्चन नंबर 5, लेखक ने कहानी में सुख की खान किसे कहा है? आंसर, लेखक ने कहानी में ईमानदारी को सुख की खान कहा है। नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2 या 3 वाक्यों में दो। क्वेश्चन नंबर 1, शंकर ने हलवाई को 5 रुपए का नोट क्यों दे दिया? आंसर, शंकर को 5 का नोट हलवाई की दुकान के सामने मिला था, उसने सोचा कि यह नोट हलवाई का ही है। क्योंकि शंकर स्वभाव से ईमानदार था इसलिए उसने यह नोट हलवाई को दे दिया। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे यह नहीं होगा, यह को आप हटा दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, हलवाई ने शंकर को नौकरी क्यों दे दी? आंसर, शंकर की ईमानदारी से हलवाई बड़ा प्रसन्न हुआ तथा शंकर उसे एक मेहनती बालक लगा, इसलिए उसने शंकर को नौकरी दे दी। नंबर 5, रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर वाक्य दोबारा लिखो। उसने सोचा रात पानी पीकर ही बिता दूंगा। एक मतलब ये वचन बदलना होता है एक से बहुत में, एक वचन से बहुवचन में, सिंगुलर से प्लूरल। उन्होंने सोचा रात पानी पीकर ही बिता देंगे। नंबर 2, वह पैदल चलते चलते थक गया था। आंसर, वह पैदल चलते चलते थक गए थे। नंबर 3, उसने अपनी दुकान खोली। उन्होंने अपनी दुकान खोली। अब वह उस हलवाई की तरह देखने लगा। अब वह उन हलवाइयों की राह देखने लगा। नंबर 4, वह बहुत ईमानदार था। वह बहुत ईमानदार थे। वह थका हुआ भी था। वह थके हुए भी थे। हलवाई की दुकान के आगे तख्ता लगा दिखाई दिया। हलवाइयों की दुकानों के आगे तख्ते लगे दिखाई दिए। नंबर 6, नीचे मार्ग शब्द का समान अर्थ वाला शब्द दिया गया है। इसी तरह बाकी शब्दों के भी समान अर्थ वाले शब्द लिखिए, यानी कि पर्यायवाची शब्दार्थ। मार्ग राह, ईमानदार विश्वसनीय, मेहनत परिश्रम, बेटा सूत, आराम विश्राम, वृक्ष पेड़, प्रसन्न
खुश, बालक, बच्चा। नंबर 7, निम्नलिखित शब्दों को ध्यान से देखो। बच्चों, आपको इनके भीतर ही कम से कम 2 और शब्द बने मिलेंगे, ढूंढिए और लिखिए। मूल शब्द, शब्द में छिपे शब्द। कमाना, कम, कमा, कमान, मान और माना। आराम, आम और राम। हलवाई, हल और हलवा। ईमानदारी, मान और दान। सम्मान, सम, समा और मान। नंबर 8, मिलान करो। शंकर भीख मांगना बुरा काम समझता था। गांव वाले उसे बहुत प्यार करते थे। शंकर की ईमानदारी पर हलवाई बड़ा प्रसन्न हुआ। वह प्रसन्न दिख रहा था। नंबर 9, पहले शब्द से आरंभ करते हुए प्रत्येक शब्द के अंतिम अक्षर से नया व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द बनाएं। तो ये जो पहला शब्द यहाँ पे दिया हुआ है, इसका अंतिम अक्षर यानी कि इससे हम नया वर्ड बनाए हैं, नया व्यक्तिवाचक संज्ञा बनाया है। अब ये वाला जो वर्ड है ब से खत्म हो रहा है, तो हमने फिर एक ब से नया नाम लिखा। अब हमें इसी तरह ये करना है। तो सबसे पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा लिखा हुआ है शंकर, रवि, विशाल, लोकेश, शमशेर और सबसे लास्ट में राकेश। अब नंबर 10, दिए गए बॉक्स में से विपरीत शब्द चुनकर लिखो। तो शब्द हैं अवगुण, उदास, झूठ, प्रस्थान, पश्चात, अनेक, शहर और फिर दुख। तो आइए हम करते हैं। गुण, अवगुण, प्रवेश, प्रस्थान, प्रसन्न, उदास, पहले, पश्चात, सुख, दुख, सच, झूठ, एक, अनेक, गांव, शहर। सोचिए और लिखिए। यदि आप शंकर की जगह होते तो क्या आप भी शंकर की तरह ही रुपए हलवाई को दे देते? उत्तर, यदि हम शंकर की जगह होते तो हम भी शंकर की तरह ही रुपए हलवाई को दे देते, क्योंकि हमें बचपन से ही हमारे माता पिता और अध्यापकों ने यही सीख दी है कि ईमानदारी अच्छी नीति है। यदि आपके जीवन में कोई ईमानदारी की घटना घटी हो तो उसे अपने शब्दों में लिखो। यह तब की बात है जब मैं तीसरी कक्षा में पढ़ता था। एक बार एक विद्यार्थी की पेंसिल मेरे पैरों के पास आकर गिर गई। मैं उसे ढूंढता रहा पर उसे नहीं मिला। जैसे ही मैंने उसकी पेंसिल अपने पैरों के पास देखी, मैंने झट से उसे उठाकर ईमानदारी से वापस कर दी। अब हम आगे करेंगे प्रयोगात्मक व्याकरण। पहला हम देखेंगे क में लिखा हुआ है शंकर सदा सच बोलता था। वह बचपन से मेहनत करता था। ईमानदारी सुख की खान है। शंकर आनंद में से रहने लगा। अब हम देखेंगे ये जो शब्द है सच, बचपन, मेहनत, ईमानदारी, सुख और ये आनंद, ये सारे शब्द हम देख तो नहीं सकते, जैसे सच को हम देख नहीं सकते, पर इन सब का हम एहसास कर सकते हैं। वही बचपन, मेहनत, ये सारे शब्दों का हम एहसास कर सकते हैं। ये सारे गुण होते हैं, तो फिर इसे हम कहते हैं, इन सब को हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। इन्हें हम देख तो नहीं सकते, पर हम इन्हें महसूस कर सकते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से भाववाचक संज्ञा छाटिए। गर्मी का मौसम था। गर्मी हम महसूस कर सकते हैं, गर्मी का मौसम है, समझ सकते हैं, पर हम उसे देख नहीं सकते। शंकर गांव वालों की मदद किया करता था। मदद, गांव वाले उसे बहुत प्यार करते थे। प्यार, वह मेहनत करके ही धन कमाना चाहता था। मेहनत, वह झूठ कभी नहीं बोलता था। झूठ, वह भीख मांगना बुराई समझता था। बुराई। अब हम करेंगे बूझो तो जाने, यानी कि ये सारी पहेलियां।
ये सारे यहाँ पे इनके क्लूज दिए हुए हैं, गुलाब जामुन, आम और हलवाई। अब इन्हें हमें पहचानना है। सबसे पहला, 6 अक्षर का मेरा नाम, खाने के आता हूँ काम, फूल फल और मिठाई कहलाता, सबके मुंह में मैं पानी लाता। इसका सही उत्तर है गुलाब जामुन। अब दूसरा, बचपन में मैं होता हरा, बुढ़ापे में आकर हो जाता पीला, मुझे कहते हैं सभी फलों का राजा, स्वाद है मेरा बड़ा रसीला, आम। अब तीसरा वाला, 4 अक्षर का मेरा नाम, मिठाइयां बनाना मेरा काम, दूसरा कटे तो हवाई बन जाओ, अंत कटे तो हलवा बन जाओ। तो ये हुआ हलवाई। तो ये था आपका पार्ट। बाकी के सारे चैप्टर्स के लिए डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। बाय बाय।